तकरीबन सर 12 सालों से ऐसा देख रहे हैं और यहाँ पे या तो धूल या तो कीचड़, इसके सिवा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। सरकार को अपने आप से मतलब है सर? लेडीज लोगों का तो आना जाना तो मुहाल है। IVTV देखता है इंडिया। राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है, लेकिन हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिस पर सभी की निगाहें तो पड़ती है, लेकिन जो हाल है वह ऐसे ही अनुमान देखने को मिलता है। हम भी कई दफ़े इधर आए हैं और जब भी आते हैं तो कुछ नई चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, हालात ऐसे ही रहते हैं। बिना बारिश के भी आपको सड़कों पर कीचड़ और पानी देखने को मिलेगा, हालांकि इधर एक दो दिनों से बारिश हो रही है तो उसके वजह से पानी लग सकती है। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, जो उबर खावर, देखिए किस प्रकार की तस्वीरें हैं, जो तस्वीर आप देख रहे होंगे ये तस्वीर जो है अनिशाबाद, जब अनिशाबाद से बेऊर तरफ आप आएंगे, बेऊर जेल तरफ, और हमारे जस्ट बगल में सेंट्रल जेल भी है और ये रास्ता जो है आपको बेऊर जेल से होकर गुजरती है और इधर जो है ऐसे कई लोग हैं, कई अधिकारी हैं जो जेल से उनका ताल्लुकात रहता है, छापामारी भी होती है, कई नेता हैं, कई मंत्री हैं जो इधर आते भी हैं, लेकिन आज तक किसी की निगाहें नहीं पड़ी। देखिए जब गाड़ी जाती है तो कैसे कीचड़ जो है आपको देखने को मिलता है, कीचड़ की छींटे देखने को मिलती है, हालात इस रोड की ऐसी बनी हुई है। जब हमने इस संबंध में पता करना चाहा ये सड़कें आखिर कब से ऐसी है, तो वो सुनकर आप कहीं ना कहीं दंग रह जाएंगे, वो सुनकर आप कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस राजधानी में स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, जिस राजधानी में सरकार की तरफ से तमाम वायदे किए जाते हैं, ऐसी अनगिनत सड़कें आपको IVTV दिखाएगी जो राजधानी पटना में है और पटना के शहर के बीचों बीच है, जहां पर अभी तक किसी की निगाहें नहीं गई है। आखिर यहां पे रिहायशी कॉलोनियां हैं, मकान बने हुए हैं, लोग रहते हैं, दुकान है, शॉपिंग है, लेकिन स्थिति ये है जो आप इस सड़क पे स्मूथली आप नहीं चल सकते हैं। और ये हाल बेऊर जेल वाले रास्ते का हाल है। हमारे से कुछ लोग हैं जो यहाँ के वासी हैं, जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर रहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। आखिर ये सड़कें की हालात ऐसी कब से, जब आप बाईपास से उतर के इधर आएंगे तो अनुमान इससे भी डेंजर हालात है, उबर खावर, ये कब से है? तकरीबन सर 12 सालों से ऐसा देख रहे हैं और यहाँ पे या तो धूल या तो कीचड़, इसके सिवा कुछ है ही नहीं यहाँ। अगर बारिश नहीं हुई तो केवल धूल मिलेगा, बारिश हुई तो कीचड़ मिलेगा और कुछ नहीं है। आखिर बन क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि बेऊर जेल बगल में है, कैदी आते हैं, अधिकारी आते हैं, कई ऐसे विधायक, कई ऐसे नेता होंगे जो इसके अंदर रहते होंगे, अनुमान बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी नजर इस पर नहीं अभी तक पड़ी है। सर बेऊर में भी ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी लोग का अपना मकान है, बहुत सारे मंत्रीगण का भी अपना मकान है, बट उन लोग को इससे कोई मतलब नहीं है सर। वो लोग आते हैं, नहीं आते हैं, अब इसके पीछे रीजन क्या है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। बोर्ड देते हैं तो उस समय मांगे नहीं होती है ये बन जाएगा सर? ये तमाम चीज़ों का प्रस्ताव रखा जाता है पर इलेक्शन खत्म, वायदे खत्म, यही तो रीति है, यही चलता ही है। आप ये बताइए यहाँ पे कब से आप रह रहे हैं इस एरिया में? लगभग 10 साल से। 10 साल से? जी 10 साल से। सड़क ऐसी ही है अब तो, मतलब कि कहना ही इस पर कुछ, मतलब कि हम सही मुनासिब नहीं समझेंगे। जो भी है सो आंखों देखा हाल में, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है सर। आप लोग देख सकते हैं जो भी है सो सामने है, और इसमें कुछ बोलने से ज़्यादा बोलने से कोई फायदा। अपील करेंगे? अपील तो करेंगे ना, आप लोग रहते हैं, मकान है, घर है। अपील आप जनता का अपील से कोई मतलब नहीं सरकार को है, बस सरकार को अपने आप से मतलब है। सरकार का अगर मतलब रहता तो फिर देख रहे हैं पूरे जल जमाव पूरे बेऊर में मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे नहीं मिलेगा, पूरे बेऊर में मिलेगा। बाईपास बाईपास पे भी जाकर देख सकते हैं, इसमें कुछ कहने लायक ही नहीं है। बारिश समस्या नहीं है, बारिश कोई समस्या नहीं है, समस्या है तो यहाँ की सड़कें। बारिश तो प्राकृतिक है ना, ये आया निकल गया, पानी लगता है तो आपत्ति नहीं होती है, लेकिन पानी का जो कीचड़ लगता है ना, इससे दिक्कत होती है पब्लिक को। सड़कें भी तो टूटी फूटी है ना? वो तो पूरी तरह से सर, सड़क में कब गाड़ी घुस जाएगी, ऐसे ऐसे गड्ढे एलएनटी वालों ने खोद रखा है कि उसमें ऊपर से ठीक है, वहाँ पे ट्रैक्टर या ट्रक का चक्का जाता है, बस गाड़ियाँ पलट जाती है। ये आप कब से हैं इस एरिया में? बसी हूँ। कब से, मतलब कब से आप यहाँ पे, अगर बात करें तो? बात करें तो मैं यहाँ का उम्र ही बीत गया। ये सड़क की स्थिति कब से ऐसी, क्योंकि देखिए सेंट्रल जेल है, कई कैदी वाहन आते होंगे, कई अधिकारी आते होंगे, सभी की नज़र तो पड़ता होगा इस पे। अगर ये कब से स्थिति ऐसी बनी हुई है? बहुत समस्या है, इससे आगे जाइएगा तो इससे ज़्यादा गड्ढा मिलेगा आपको, जस्ट आगे बढ़िएगा तो वहाँ इससे भी बुरा हाल है। लोग
चलना पैदल चलना भी मुश्किल है वहाँ पे। हाँ, लेडीज लोगों का तो आना जाना तो मुहाल है, आती जाती नहीं है लोग। अगर वोट भी तो दिए होंगे, इतने दिन से रहते हैं तो वोट तो दिए होंगे। इसमें कई मंत्री लोग हैं बसे हुए। कौन कौन? जैसे कि क्या नाम है उनका? चौपाल जी हैं मंत्री, जो रमई राम है, सारे मंत्री इसमें बसे हुए हैं। इसमें दो मंत्री हैं लोग, दो बैंक है इसमें, कॉरपोरेशन बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, और काफी कस्टमर लोग आते हैं, शॉपिंग मॉल है, बहुत सारा कुछ है। सड़कें ऐसी ही हैं, पटना दो का इलाका है, पटना टू का लाता है। सड़कें ऐसी ही हैं? हाँ, ऐसे ही है। तो आप लोग कभी मांग नहीं किए हैं? जो आपके विधायक कौन है? हम लोग का विधायक तो अभी इससे जीते हैं, माले से हैं। अच्छा, फुलवारी शरीफ वाले? इससे पहले श्याम रजक जीते हैं? श्याम रजक तो पांच बार यहाँ से जीत चुके हैं। फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। कभी जदयू से जीते हैं तो कभी आरजेडी से जीते हैं, और कभी ध्यान नहीं दिए ना हमारे सांसद राम करते हैं। हम लोग मांग करते हैं ना, हमारे सांसद राम कृपाल जी का ध्यान है, न श्याम रजक जी का ध्यान है। अभी तो ये मंत्री अभी तो ये जीत के गए, तो इनका क्या अस्तित्व नहीं? तो देखिए, ये स्थिति यहाँ की है। अगर सरकार कहती है राजधानी में विकास हो रहा है, राजधानी में डेवलपमेंट हो रहा है, राजधानी में सड़कें बन रही, नाले बन रही है, लेकिन ये हालात जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर जाने वाली रास्ता है। और जैसे कि लोगों ने बताया, कई पूर्व मंत्री हैं, कई अधिकारी हैं जिनका कि मकान इस कॉलोनी में, इस रियासी इलाके में है, लेकिन सड़क की हालत क्या है वो आप स्क्रीन पर देखिए, सड़क की स्थिति क्या है वो आप सीधे जो है अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। लेकिन ऐसी स्थिति में कहाँ की स्मार्ट सिटी, कैसी राजधानी, जहाँ पर लोग चलने को मुहाल हो, लोग बेबस हो। हम खड़े हैं, हमारे ऊपर कीचड़ के छींटे पड़ जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है जा रही है, लेकिन ऐसे में जो लोगों की पीड़ा है हम आपको दिखाएं। लगातार आईवी टीवी राजधानी की वैसी सड़कों से आपको रूबरू कराएगी, राजधानी की वैसी सड़कें आपको दिखाएगी जो बीचों बीच राजधानी में बसी हुई है, लेकिन आज तक कोई नेता कोई मंत्री का उस पर ध्यान नहीं गया है। सही संसद अंशु झा, आईवी टीवी पटना।